गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में प्रयोजनवाद बोलते हैं, प्रयोजनवाद। इसको याद करने का सबसे, देखिए ये फिलॉसफी का पार्ट है और इसको याद करने के लिए कुछ बिंदुओं को हम याद रखेंगे तो अपने आप अंदर में लिखा जाएगा। जैसे कुछ बिंदुओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, देन हम इसके फॉरवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो इनके प्रवर्तक हैं, अनुवायी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके फिलोसफिकल आउटलुक के बारे में पढ़ेंगे, फिलोसॉफिकल आउटलुक, यानी इसका दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसका प्रैग्मेटिज्म एंड एडुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म एंड एडुकेशन के बारे में, शिक्षा का प्रैग्मेटिज्म में क्या रोल है उसके बारे में देखेंगे। देन बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। देन एम्स ऑफ एडुकेशन क्या है। फिर इसके मीनिंग एंड सॉरी क्यूरिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ स्टूडेंट, देन क्यूरिकुलम हो गया, मेथड्स ऑफ स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल्स डिसिप्लिन, और लास्टली हम लोग इसका इवैल्यूएशन करेंगे, यानी पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, इतने के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। देखिए प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में प्रयोजनवाद होते हैं, प्रयोजन यानी किसी चीज का कारण है, कारण होता है प्रयोजन, यानी जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो मेरा कुछ कारण होगा। आप लोग यहाँ पे बीएड करने आए हैं तो आप लोग का लक्ष्य है टीचर बनना, है ना, तो आपका एक प्रयोजन है कि आपको टीचर बनना है, इसलिए आप बीएड करने आए हैं। तो कारण होता है, उद्देश्य होता है, उद्देश्य। वाद का मतलब जिस पे हम चर्चा करते हैं, है ना, यानी जो प्रयोजन पे हम लोग चर्चा करेंगे उसी को प्रयोजनवाद कहते हैं। प्रैग्मा का अर्थ होता है एंड एक्टिविटी डन या वर्क डन, किया गया काम, है ना, या प्रभावी कार्य भी बोल सकते हैं इसको, है ना। प्रयोजन जो है वो, प्रैग्मेटिज्म जो है वो ग्रीक वर्ड प्रैग्मेटिकोस से लिया गया है, है ना, और लैटिन वर्ड प्रैग्मेटिकस से लिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
समझते हैं इसके डिफिनेशन को, कि कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू समझेंगे इसको, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म ये जो है, ये किसी निश्चित सिद्धांत या सत्य, या कह सकते पूर्व निर्धारित सत्य है ना, किसी भी निश्चित सिद्धांत या पूर्व निर्धारित सत्य को नहीं मानता है। किसी भी निश्चित सिद्धांत, जो भी निश्चित सिद्धांत होगा या पूर्व निर्धारित सत्य होगा, उसको ये बिल्कुल नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये समय, स्थान, परिस्थिति के अनुरूप बदलती है, यानी परिवर्तनशील है ना। इसलिए ये कहते हैं कि इसमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए, है ना, प्रयोग करना चाहिए, ताकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य का पता चले है ना। सत्य क्या है? सत्य वह है जो अपने आप में उत्तम सिद्ध हो सके, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि किसी भी निश्चित सिद्धांत पूर्व निर्धारित सत्य को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये समय, स्थान, परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहता है। इसलिए ये कहते हैं कि इसमें हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य का पता चले, है ना। इसलिए इसको प्रयोगवाद भी बोलते हैं, प्रयोगवाद भी कहते हैं, है ना। तो ये है प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है? किसी भी निश्चित सिद्धांत या पूर्व निर्धारित सत्य को नहीं मानता है, क्योंकि ये समय, स्थान, परिस्थिति के अनुरूप बदलती है, है ना। इसलिए हम लोग इसको हमेशा प्रयोग पर, यानी एक्सपेरिमेंट पे ये जोड़ दिया है, है ना। व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य का पता चले, है ना। बिहेवियर, व्यवहारिक जो हम लोग का व्यवहार में उस समय जो भी हम लोग का सिचुएशन हो, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो चीज रियल में सेटिंग करे और सबको, सबके वो चीज माने हो, वही चीज सत्य है ना। तो प्रयोजनवादी का मूल सिद्धांत यह है कि अनुभव ही सत्य है, है ना। अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है, और सत्य वह है जो अपने आप में उत्तम सिद्ध हो सके, है ना। प्रयोजनवाद को हम लोग अनेक नामों से जानते हैं, जैसे अर्थ क्रियावाद, अर्थ क्रियावाद, कारणवाद, कारणवाद, फलवाद, बहुतत्ववाद, तत्ववाद, अर्थ और अनुभववाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद, व्यवहारवाद, इन सब नामों से हम इनको जानते हैं, ठीक है। यहां तक मीनिंग और मीनिंग क्लियर हो गया आप लोग का। आइए कुछ डिफिनेशन को देखते हैं, है ना। तो डिफिनेशन में आप जेम्स वी प्रैट के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू जेम्स वी प्रैट, प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस अ थ्योरी ऑफ रियलिटी, है ना, थ्योरी ऑफ ट्रूथ, थ्योरी ऑफ नॉलेज,
है ना। तो प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है, है ना। अकॉर्डिंग टू जेम्स वी प्रैट, जेम्स वी प्रैट के अनुसार क्या है, प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, थ्योरी ऑफ नॉलेज थ्योरी ऑफ ट्रुथ ट्रुथ एंड अल्टीमेटली थ्योरी ऑफ रियलिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी प्रयोजनवादी जो है वो हमें, प्रयोजनवादी हमें अर्थ का सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत सत्य का सिद्धांत और वास्तविकता वास्तविकता का सिद्धांत सिद्धांत देता है। ठीक है, एक डिफिनेशन ये हो गया, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि प्रैग्मेटिज्म हम लोगों को क्या क्या देता है, थ्योरी ऑफ मीनिंग देता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज देता है, थ्योरी ऑफ ट्रुथ देता है, अल्टीमेटली थ्योरी ऑफ रियलिटी, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग देखेंगे विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म इज द नेचर ऑफ माइंड एंड वे ऑफ थिंकिंग, है ना। ये हमारे प्रयोजनवादी क्या है, वो मस्तिष्क, प्रयोजनवाद क्या है, मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है, है ना। इट इज ऑल्सो द डॉगमेटिक व्यू ऑफ द नेचर ऑफ ट्रूथ एंड थ्योर एंड फाइनली इट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, है ना। यस, सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है, अंतिम रूप से यह वास्तविकता का सिद्धांत है। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं जो सत्य है, जो अपने आप में उत्तम सिद्ध हो रहा है या सबको मान्य हो रहा है, वही वास्तविकता है और उसी को ये प्रयोजनवादी मानते हैं, है ना। तो विलियम जेम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, है ना, क्या है प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म इज द नेचर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज द नेचर एंड नेचर ऑफ द वे नेचर ऑफ द माइंड एंड वे ऑफ थिंकिंग, THINKING, थिंकिंग, है ना। इट इज द डॉगमेटिक व्यू ऑफ द
द डॉगमैटिक व्यू ऑफ द नेचर ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी नेचर ऑफ ट्रूथ एंड थॉट फाइनली इट इज द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी ठीक है हिंदी में भी देख लेते हैं प्रयोजन वाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है और दृष्टिकोण है यह सत्य और विचारों की प्रकृति सत्तर विचारों की प्रकृति काफी सिद्धांत है ना? अंतिम रूप से या वास्तविकता सिद्धांत है ठीक है ये कहते हैं जेम्स वी प्रैट विलियम जेम्स के अनुसार ये विलियम जेम्स के अनुसार क्या है प्रयोजनवाद जो है वो मस्तिष्क का स्वभाव है और दृष्टिकोण है यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है अंतिम रूप से यह वास्तविकता का सिद्धांत है ठीक है यहां पे हमने दो डेफिनेशन पढ़ लिए और एक डेफिनेशन और देख लेते हैं रॉस के अनुसार अकॉर्डिंग टू रॉस ये क्या कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी यानी मानवतावादी दर्शन है ना मेंटेनिंग दैट AIMING मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज in course of activity in course of activity
दैट रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग, दैट रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग। हाँ, क्या है रॉस के अनुसार, प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट हिज ओन वैल्यूज इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी, दैट रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग। ठीक है, यानी प्रयोजनवाद एक मानवतावादी दर्शन है, वाद एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ठीक है, तो रॉस का यह मानना था कि प्रैग्मेटिज्म क्या है, वो एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है जो कि आदमी खुद, मैन मनुष्य खुद अपने वैल्यू को क्रिएट करता है, कैसे, एक्टिविटी में भाग लेके, और रियलिटी एक्टिविटी में तो भाग लेता ही, और रियलिटी उसी समय जो चीज अपने आप को सिद्ध करे, उत्तम सिद्ध करे, उसी चीज को वो मानता है। तो कहता है, ये कह रहा है कि रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग, यानी जो वास्तविकता है वे सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है ना, क्योंकि अंतिम सत्य की खोज नहीं है। ठीक, तो यहां से आपको प्रैग्मेटिज्म का जो मीनिंग और डिफिनेशन है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। नेक्स्ट फॉलोअर्स के बारे में आप पढ़ते हैं, फॉलोअर्स यानी जो इनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रैग्मेटिज्म का जो फादर है वो है चार्ल्स सेंडर पियर्स, चार्ल्स सेंडर सैंडर्स, सैंडर्स पियर्स, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। एक नाम ये हो गया, दूसरा नाम हो गया जॉन डेवी, ये भी इनके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, जॉन डेवी को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एडुकेशन। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सीटेट का क्वेश्चन है कि फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म किसे कहा जाता है, यदि आपको ऑप्शन में चार्ल्स सेंडर पियर्स नहीं होगा तभी आप जॉन डेवी को मारिएगा, है ना, यदि चार्ल्स सेंडर पियर्स होगा तो आप चार्ल्स सेंडर पियर्स को पहले मारिएगा। ठीक है, और भी फॉलोअर्स हैं इनके, विलियम जेम्स
किलपैट्रिक, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन इतना ही नाम आपको इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जेम्स वी प्रैट भी आपने पढ़ा है ना, रॉस भी पढ़ा है ना, सब है, लेकिन सबके बारे में पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिलोसफिकल आउटलुक। ये चाहिए आउटलुक। देखिए, प्रयोजनवादी, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये फिलोसफी का पार्ट है ना, तो इसका दार्शनिक दृष्टिकोण को भी जानना हम लोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिलोसफिकल आउटलुक मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण है ना। किसी भी चीज का फिलोसफिकल आउटलुक जानने के लिए हम तीन पार्ट को जानेंगे, क्या क्या, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, इपिस्टीमोलॉजी, इपिस्टीमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी। ठीक है, ये तीन पार्ट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, मेटाफिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा। इपिस्टीमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। एक्सियोलॉजी मूल मीमांसा। देखिए, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, सब अपने आप में नाम से ही क्लियर है ना। प्रयोजनवादी में जैसे तत्व के बारे में जानेंगे, ज्ञान मीमांसा कैसे हम लोग प्रयोजनवाद को हम लोग जानेंगे, मूल मीमांसा इसका मूल क्या है इसके बारे में जानेंगे, तत्व मीमांसा में आ जाते हैं। तो तत्व मीमांसा में प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं कि ये जो संसार है वो अनिश्चित है, अनियत है ना, यानी परमानेंट नहीं है, यानी वो परिवर्तनशील है और अनुभव ही सत्य है। अनुभव, जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में पढ़े, अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है ना, तो अनुभव ही सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य की खोज नहीं है, ये इसका तत्व मीमांसा। ठीक, यानी देख लेते हैं, यह संसार अनिश्चित है, अनियत है, अनियत है, यानी यानी परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, अतः अतः यह परिवर्तनशील है, सील। ठीक है, अनुभव ही सत्य है, अनुभव जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव ही सत्य है, अंतिम सत्य की खोज नहीं है, अंतिम सत्य की खोज नहीं है। ठीक है, ये इसका मेटाफिजिक्स है। बहुत आसान है, यह संसार अनिश्चित है, अनियत है, यानी परमानेंट नहीं है, अतः यह परिवर्तनशील है, है ना। क्यों परिवर्तनशील, क्योंकि समय स्थान परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है ना। अनुभव ही सत्य है, जो हम लोग अनुभव करते हैं उस समय, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ अनुभव से भी करते हैं है ना, कुछ रियलिटी बेस्ड भी करते हैं, उस समय जो निकल के आ जाता है वही चीज सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य की खोज नहीं, जरूरी नहीं है कि जो अभी सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगा, वो आने वाले जनरेशन में वो चेंज भी हो सकता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग है ना, समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है तत्व मीमांसा। देन ज्ञान मीमांसा के बारे में आते हैं। नाउ ज्ञान मीमांसा, कैसे हम लोग जानेंगे ज्ञान मीमांसा, प्रयोजनवाद का ज्ञान मीमांसा हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो अनुभव, प्रयोजनवादी कहते हैं कि अनुभववाद और